सत श्री अकाल प्यारे विद्यार्थियों, अज जमात नौवीं दे विशा गणित दे अज दे सैशन च आपका बहुत स्वागत है। ये कहा जाता है कि किसी भी चीज़ नू सीखन लग्या अगर असीं दे विच कोई क्रिया शामिल कर लीए तो वह जिहड़ी सीखी हुई चीज़ है वह ज़्यादा अच्छी तरह समझ आती है और ज़्यादा समय तक सानू याद रहती है। सो अज असीं जिहड़े संकल्पां दा अध्ययन करांगे अज उहनां दे नाल असीं कुछ एक दो क्रियावां भी करांगे। सब तो पहला तुहाडे लई कुछ आकृतियां बनाईआं, तुसीं इन्हां आकृतियां नूं पहचानना। इस आकृति तो तुसीं भलीभांत जाणो तीन रेखाखंडां तो बनी आकृति, इसनूं असीं की कहिंदे आ, एक त्रिभुज कहिंदे आ। ठीक है, हुण इहनूं देखो, इह वी त्रिभुज है। फर्क की है इस दे आकार दा, इस दे रूप दा। ये भी एक त्रिभुज है। ठीक है, इस तो इलावा ये एक होर ते मेरे को कुछ इस तरह दियां होर दो तीन त्रिभुजा ने। जदों असीं कहा कि वक् वक् आकृतियां है तो त्रिभुज, फिर वक् वक् की है? वक् वक् इन्हां दा आकार है, इन्हां दा रूप है, जो कि इन्हां दियां किस्मां नूं दर्शाउंदा है। पर जो अज का संकल्प असी करना है वह इन्हों किस्मों संबंधित घट है, इन्होंने खेत्रफल संबंधित है। तो त्रिभुजा का खेत्रफल पता करने लई जो मैथड, जो फॉर्मूला तुसी पिछली क्लास में किया है, मैं उम्मीद है तुहानू सबनू याद होएगा, वह फॉर्मूला होंदा है त्रिभुज का खेत्रफल बराबर एक बटा दो गुना आधार गुना लंब। किसी भी त्रिभुज दे विच जेकर सानू उसका आधार अते उसका लंब पता होवे तां उसका खेत्रफल असी इस फॉर्मूले नाल पता कर सकते हैं। हुण जिहड़ियां आकृतियां साढ़े कोल हैगियां असी उहनां दा खेत्रफल पता कर सकते हैं। ये देखो, ये जिहड़ी त्रिभुज हैगी है इसनूं असी समकोणी त्रिभुज कहिंदे आ। इसका आधार असी इस भुजा नूं मन्निया ते लंब इस भुजा नूं मन्निया। अगर असी इहनूं रोटेट कर लांगे तो साडा आधार ये बन जाएगा ते लंब ये भुजा बन जाएगी। तो तुसीं ये भी जानते हो कि आ जिहड़ी तीसरी भुजा है इसनूं करण कहा जाता है। हुण असी इहनां दीआं लंबाइयां मापदे हां। देखो जी, इसनूं मापन ते साडे कोल इहदा माप आया 11 सेंटीमीटर। सो इस त्रिभुज का आधार हो गया, आधार 11 सेंटीमीटर। लंब मापिए, लंब आ गया 28 सेंटीमीटर। लंब के आधार मापन तो बाद यह फॉर्मूले के वैल्यूज फिल करके असी इसका खेत्रफल पता कर लांगे। तो इस त्रिभुज का खेत्रफल हो गया एक बटा दो, आधार का मूल 11 ते लंब आ गया 28। इसनों हल किया इतने साढ़े को आ गए 154 सेंटीमीटर वर्ग। सेंटीमीटर वर्ग खेत्रफल की इकाई होंगी है। अच्छा जी, ये त्रिभुज असं अपने को लगा लें, खेत्रफल भी साइड से लिख लें। ये त्रिभुज आ गई मेरे को। ठीक है, इस त्रिभुज का खेत्रफल आ गया 154 सेंटीमीटर। पहली त्रिभुज आ गई मेरे को, पहली त्रिभुज का खेत्रफल आ गया 154 सेंटीमीटर वर्ग। ये सारे सी खेत्रफल इतने लिख लांगे। डन। उस तो बाद दूसरी त्रिभुज देखते हैं। एवरी मापन से इस त्रिभुज का साडा जी है आधार की लंबाई आ गई 22 सेंटीमीटर। सो इहदा आधार हो गया 22, आधार आ गया 22 सेंटीमीटर। हुण लंब,
लंब क्लीयरली कित्थे हुंदा है? पहला असीं इहदियां आ बाकी दियां दो भुजावां मापदे हां ते इह देखदे हां कि किस तरह की त्रिभुज है। मापन ते इस भुजा की लंबाई आती साडे कोल 30 सेंटीमीटर। इसे तरह दूसरी भुजा की लंबाई भी साडे कोल आती है 30 सेंटीमीटर। तो जिस त्रिभुज दियां दोनों भुजावां की लंबाई बराबर होंदी है उसनूं असीं सम दो भुजी त्रिभुज कहिंदे हां। ते सम दो भुजी त्रिभुज का एक गुण होंदा है कि उसका लंब जिहड़ा है जिस आधार के उत्ते लंब बनिया होंदा उसनूं दो बराबर भागां विच वंडदा है। तो इस त्रिभुज का लंब लभण वास्ते असीं की कर सकते हां कि इहदा मध्य बिंदु लभ लईए, उहनूं अगर असीं सिखर नाल जॉइन कर देंगे तो जिहड़ी साडे कोल रेखाखंड हासिल होएगी वह साडा लंब होएगी त्रिभुज का। मध्य बिंदु हासिल करने वास्ते मैं इहनूं इस तरह दो भागां च वंड लिया। आ देखो यह मध्य बिंदु आ गया, इहनूं आपां माप कर लिया। हुण इहनूं अगर मैं जॉइन करांगी सामने वर्टेक्स दे नाल, ऑपोजिट वर्टेक्स जिहड़ा इहदा हैगा, इस पॉइंट नूं इहदे नाल जॉइन करन ते मेरे कोल लंब जिहड़ा उह प्राप्त हो जाएगा ते जिस दी लंबाई की हैगी है 28 सेंटीमीटर। सो इस त्रिभुज का लंब जिहड़ा उह मेरे कोल प्राप्त हो गया, इहदा माप आया 28 सेंटीमीटर। ए साडा बेस जिहड़ा सीगा दैट वॉज 22 सेंटीमीटर। जो मेरे को त्रिभुज का आधार ते लंब दोवें चीजा आ गई, मैं इसका खेत्रफल आराम नाल पता कर सकती हाँ। लंब आया सी साडे कोल 28 सेंटीमीटर। हुण एक सवाल यह उठता है कि इन केस कि त्रिभुज का आकार बहुत वड्डा होवे, सानू सिर्फ उहदियां भुजावां की लंबाई पता है, सानू लंब नहीं पता, तो असीं उहनूं मैजर भी नहीं कर सकते। कोई भी रीजन हो सकता है, साडे कोल सफिशेंट जिहड़ा मैजरिंग टूल नहीं हैगा, स्केल छोटा है, साडी त्रिभुज बहुत वड्डी है, या कुछ भी। उस हालातां च असीं की करांगे? तुहानूं दस्सिया जदों आपां इहनूं दो भागां च वंडना है इस तरह, तो यह त्रिभुज कि त्रिभुज का रूप लै लैंदी है। देखो ये लंब है ना, लंब का मतलब 90 डिग्री का कोण होंदा, ठीक है। तो वह लंब हो गया जिहड़ा, ये समकोणी त्रिभुज बन गई। हुण समकोणी त्रिभुज दियां तीन भुजावां लंब, आधार, आ तीसरी भुजा का नाम होंदा करण, इन्हां नूं मिला के एक सिद्धांत किया सी आपां, जिहदे नाल असीं दित्तियां होईयां दो भुजावां दे नाल तीसरी भुजा की लंबाई भी पता कर सकते हैं। पाइथागोरस सिद्धांत नूं ध्यान च रखने वास्ते एक छोटा जिहा शब्द है और वह शब्द साडे लई बहुत जरूरी है, वह है अकल। अकल की वरतों करके ही असीं सारे काम करते हैं ना, तो फिर पाइथागोरस सिद्धांत भी इहदे नाल याद हो जाएगा। इस शब्द के विच आ जिहड़ा कक्का हैगा ये साडा करण नूं दर्शाउंदा है, ऐड़ा आधार है ते लल्ला लंब। लगाना की हुण इहनां दे वर्ग, एक वर्ग इहनूं दे दो, एक इहनूं दे दो, एक इहनूं दे दो, ते दो चिन्ह इत्थे बराबर दा चिन्ह, इत्थे जमा दा चिन्ह, इह साडा पाइथागोरस सिद्धांत। इस सिद्धांत की वरतों करके भी असीं लंब दा मुल जिहड़ा लंब दा माप कढ़ सकते हैं, क्योंकि साडे कोल आधार भी हैगा। आधार कितना हो गया, जे ए टोटल 22 सेंटीमीटर सीगा ते ए अद्धा 11 सेंटीमीटर हो गया, और ए करण जिहड़ा है करण दा माप जिहड़ा वो जिन्ना भी साडी लेंथ दित्ती होवे 30 है, इहदे च इन केस असीं इत्थों लंब दी वैल्यू कढ़ सकते हैं। तो यह दूसरी त्रिभुज का असीं खेत्रफल कढ़ांगे इसे तरीके नाल, 1/2 आधार गुणा लंब, इस दे विच वैल्यूज फिल करांगे। त्रिभुज का खेत्रफल आ गया, त्रिभुज का असीं सिंबल भी पा सकते हैं, त्रिभुज का खेत्रफल 1/2 गुणा आधार यानी कि 22, लंब 28, 2 दे पाड़े च 11, 11 × 8 = 88, 11 × 22 = 38 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दूसरी त्रिभुज का खेत्रफल भी आ गया, इहनूं असीं इहदे नाल जोड़ दिंदे हां। जोड़न लगे थोड़ा जिहा ध्यान रखांगे कि बिल्कुल इहदे नाल जुड़े, ताकि ये लगे कि ये दोनों एक दूसरे का हिस्सा ने। आ देखो अगर मैं इस साइड दे अलोंग इहनूं जोड़ देंगी तो मेरे कोल इस तरह की आकृति जिहड़ी है आ गई। पहली त्रिभुज का खेत्रफल 154 सी, आ मेरी दूसरी त्रिभुज है इसका खेत्रफल आ गया 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है जी। हुण इस तो बाद
एक होर त्रिभुज लैने आ, फॉर्मूला यही चल रहा साडा। तीसरी त्रिभुज जिहड़ी मैं लै रही हाँ वो हैगी है ए वाली। इस त्रिभुज दे विच की खास है मैड एंगल्स ते नहीं याद है? हाँ जी, ए त्रिभुज दियां तीनों भुजावां बराबर ने, इस करके इसनूं आपां समभुजी त्रिभुज कहने हैं। मापन ते पता लगता है कि हर भुजा का माप जिहड़ा है वह 9 सेंटीमीटर है। हर भुजा का माप 9 सेंटीमीटर है, तो तिना चो किसी भी आधार मनिया जा सकता है। तो आप आधार लिख लिया 9 सेंटीमीटर। हूँ लंब भी चाहिए क्योंकि खेत्रफल पता करने वास्ते यही दो चीजा सानू चाहिए। जिस तरह असं सम दो भुजी त्रिभुज दे विच गल कही सी कि जिथे आ दोनों भुजावां बराबर ने, इन्हां दे विचों इन्हां दे विचले शिखर तो जदों असीं लंब खिंचांगे तो वह आधार में दो बराबर भागां विच वंडेगा। यही चीज़ इहदे ते भी लागू हुंदी है। उस तरह इहनूं हाफ विच करके असीं इसका लंब जिहड़ा उह लोकेट कर लांगे। जदों असीं इहदा हाफ करांगे तो जिहड़े पॉइंट उत्ते इह मध्य बिंदु इहदा आएगा उत्थों साडा लंब जिहड़ा उह लोकेट हो जाएगा। इस शिखर के नाल इहदा मध्य बिंदु मिलाण ते आ लंब साडे कोल आ जाएगा और मापन ते उसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर आएगी। सो इस त्रिभुज का लंब हो गया 8 सेंटीमीटर। खेत्रफल पता कर लांगे, इस त्रिभुज का खेत्रफल 1/2 आधार गुणा लंब, हल किया 9 × 36 सेंटीमीटर वर्ग। हूँ इतने आ तीसरी त्रिभुज भी लगावे। हाँ जी, ये साड़ी तीसरी त्रिभुज का खेत्रफल आ गया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिलहाल मैं इतने लगा लिया, फिलहाल इसलिए कह रही हूँ कि बाद में शायद यदि सानू प्लेसमेंट चेंज करनी पवे। हाँ जी, हूँ इस तो बाद एक होर त्रिभुज लै रहे हैं, इन्हें ध्यान न देखो। इस त्रिभुज दियां तीनों भुजावां का माप अलग अलग है, इन्हें असीं कहिंदे आ विखम भुजी त्रिभुज। हूँ जेकर असीं इस फॉर्मूले के हिसाब नाल इसका खेत्रफल पता करना होवे 1/2 आधार गुणा लंब, तो आधार ते असीं किसी भी ले लाँगे क्योंकि तीनों भुजावां का माप सानू पता है या असीं पता कर लाँगे। पर लंब कित्थों आएगा? जेकर मैं इनू आधार मननी हाँ इहदा लंब इत्थों दी इत्थे खिंच ते लवांगे, बट की वह लंब साडा बिल्कुल सही जगह ते हैगा? जे उहदा माप असीं लवांगे ते की वह सही होएगा? और इस सिचुएशन ते असीं स्केल नाल माप सकदे हां, बट इन केस वह किसी भी मैजरिंग टूल नाल नहीं मापिया जा सकता, फिर असीं किस तरीके नाल उसका माप जिहड़ा पता करांगे? ये बहुत एक मुश्किल साडे लई काम हो जाएगा। ठीक है, जे मैं इनू आधार मान लैनी हाँ, मान लो आ देखो इनू आधार मनिया इत्थे, ते जेकर मैं इहदे उत्ते लंब खिंचना है इस शिखर तो, ठीक है, तो पहला इनू एक्सटेंड करना पएगा, फिर ये माप किन्ना होएगा ये पता करना थोड़ा मुश्किल है। यही मुश्किल अज तो बहुत समा पहला साडे मैथमेटिशियन सीगे हैरोन, उन्होंने भी आई सी, उन्होंने एक एहोजा फॉर्मूला लभ्या जिदे विच सानू इस मुश्किल का सामना ना करना पवे, ते असी बिना लंब पता कीत्या उस त्रिभुज का खेत्रफल पता कर लीए। उस फॉर्मूले का नाम है हीरोज़ फॉर्मूला, उन्होंने नाम से ही इस फॉर्मूले का नाम हीरोज़ फॉर्मूला पिया। और जिस तरह एक हीरो किसी नूं भी किसी मुश्किल तो बचाता ना, इस फॉर्मूले ने भी सानू इस मुश्किल तो बचाया कि बिना लंब दे असी खेत्रफल किस तरह पता करिए। तो केवल त्रिभुजा दियां भुजावां की लंबाई के आधार पर असी किसी भी त्रिभुज का खेत्रफल पता कर सकते हैं। हुण हीरोज़ फॉर्मूला है कि हीरोज़ फॉर्मूला की है गया साडे कोल वर्गमूल एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। हुण इहदे सारे कॉम्पोनेंट्स नूं समझिए। एस सब तो इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है फॉर्मूले च क्योंकि हर कॉम्पोनेंट का हिस्सा है। एस कित्थों आया? इंग्लिश का शब्द है सेमी
पेरीमीटर जिदे तो असी एस नूं इहदा सिंबल लिया। पेरीमीटर हुंदा है परिमाप, परिमाप मतलब दित्ती हुई आकृति दियां सारियां भुजावां दियां लंबाइयां दा जोड़, ते सैमी मतलब अर्ध परिमाप, उस परिमाप दा अध। तो सब तो पहली चीज जिहड़ी असी पता करनी है वह किसी भी त्रिभुज का अर्ध परिमाप पता करना। हुण इन्हां भुजावां दियां लंबाइयां मैं ऑलरेडी मैजर कीतियां हुईआं ने, ए हैगा 24 सेंटीमीटर, बी 9 सेंटीमीटर, छोटे वाले नूं मैं मन्निया बी, ते सी लै लैने आपां आ तीसरी भुजा, ये साडी हैगी सी 29 सेंटीमीटर। 29 सेंटीमीटर हुण इहदे हिसाब नाल इत्थे वैल्यूज पता करनियां। पेरीमीटर का मतलब तिना भुजावां दियां लंबाइयां दा जोड़, यानी ए जमा बी जमा सी, ते जदों असीं सैमी पेरीमीटर किया मतलब इसका अध। इत्थों साडी एस दा मुल आ जाणा, किन्ना आएगा एस दा मुल, जोड़िए इन्हां नूं, 29 च 9 जोड़े 38, 38 दे विच 24 जोड़िए ते आ जांदे साडे कोल 62/2, इहनूं हल कीता 31। एस आ गया, उस तो बाद अगला कॉम्पोनेंट एस माइनस ए, मतलब इस मूल दे विच्चों ए नू कटाना, 31 चो 24 कटाइए साढ़े कोल आउंदे ने 7, फिर एस चो बी कटाने, 31 चो 9 कटाइए 22, फिर एस चो सी कटाइए 31 चो 29 आ गए 2। हुण साढ़े कोल 4 वैल्यूज आ गई, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। हुण इन्हां वैल्यूज नूं इस फॉर्मूले दे विच रख के असीं इसका खेत्रफल कढ सकते हैं, इहनूं आपां इत्थे प्लेस कर लईए। इहदे नाल जुड़ रहा क्योंकि इहदी लंबाई भी 9 सेंटीमीटर सी ना, इहनूं इत्थे जोड़ दिंदे हां। खाली स्पेसिस भी फिल करते हैं। हुण इह सारियां वैल्यूज असीं फॉर्मूले च रखांगे। हुण असीं इक नवां फॉर्मूला कर लिया, आह फॉर्मूले नूं असीं हुण यूज नहीं करना। इस फॉर्मूले दे हिसाब नाल त्रिभुज दा खेत्रफल आ गया वर्गमूल, एस किन्ना 31, उस तो बाद एस माइनस ए दा मुल 7, एस माइनस बी दा मुल आया 22, एस माइनस सी आया साढ़े कोल 2। हुण इत्थों वर्गमूल कढ़न वास्ते इहनां दे अभाज गुणनखंड बना लो, 31 खुद अभाज है, 7 भी अभाज है, 22 हो जाएगा 2 × 11 ते फिर 2, इत्थे सिर्फ एक 2 है जिहड़ा पेयर बन रहा, 2 वर्गमूल तो बाहर आ जाएगा। अंदर इहनां दी गुणा कर दो, 31 नूं 7 नाल गुणा कीता 217, गुणा 11 ये आ गया 11 × 7 = 77, 18 = 23, 2387 वर्गमूल। हुण वर्गमूल कढ़न की जरूरत नहीं, असी इत्थों तक भी इहदा आंसर कढ़ सकते हैं, बट जदों एक्चुअल च तुहानूं जिहड़ियां भी वैल्यूज दित्तियां जांदियां उह इन्नियां वड्डियां नहीं हुंदियां, तुसीं ईजीली उहनां दा जिहड़ा है कैलकुलेशनस कर सकते हो। हुण एक चीज हमेशा याद रखना कि ये जिहड़ा हीरो है ये एक्चुअल च एक हीरो है, क्योंकि इस फॉर्मूले दे नाल असीं किसी भी तरह की त्रिभुज का खेत्रफल पता कर सकते हैं। जिहड़ा खेत्रफल का फॉर्मूला असीं पहला मान के चल रहे सी 1/2 × आधार × लंब, उहदे विच सानूं लंब का पता होना बहुत जरूरी सी, ते जिथे लंब नहीं हैगा असीं उस त्रिभुज का खेत्रफल पता नहीं कर सकते सी। पर इस फॉर्मूले नाल तुसीं इन्हां त्रिभुजां दे खेत्रफल भी पता कर सकते हो, ठीक है। हुण तुहाडे वास्ते एक्टिविटी की है, तुसीं की एक्टिविटी करनी है, देखो इहनूं इहनां त्रिभुजां दे नाल एक फिगर बना रही हां मैं, जिहड़ी गल मैं पहलां कही सी कि किसे भी आकृति नूं असीं त्रिभुजां दे विच वंड के ते किसे भी आकृति दा खेत्रफल पता कीता जा सकदा। आ देखो मैं कहा सी खाली स्पेस हुण फिल हो जाएगी,
तो यह इथों की त्रिभुज है, सारिया त्रिभुजा ने। देखो एक होर त्रिभुज लगावांगे तो यह मेरी फिगर कंप्लीट हो जाएगी। इस तरह देखो, देखो ऑलमोस्ट इस तरह की है। इहदे चों ही ये पीस कटिया सीगा कटिंग करके इन्होंने। तो इस वड्डी शीट दे विच तुसी हर कलर का, हर कलर की त्रिभुज का खेत्रफल पता करके इस पूरी आकृति का खेत्रफल पता कर सकते हो। देखो मैथ्स दे किसी भी संकल्प नूं दृढ़ करन दा इको ही तरीका है, प्रैक्टिस। तो जदों असी इस तरह की कोई एक्टिविटी करते हैं तो इट हैल्प्स इन प्रैक्टिस। जदों असी एक आकृति दे विच कितनियां सारियां त्रिभुजां दे पहले मेजरमेंट्स करांगे, उन्हां दे खेत्रफल पता करांगे, तो साडे लई बहुत वधिया प्रैक्टिस हो सकती है। तो तुसी अपनी पसंद की कोई भी आकृति बना सकते हो, जिस तरह मैं वर्ग दे विच त्रिभुजा बनाईआं। तुसी एक आयत लै सकते हो, समभुज छे भुज लै सकते हो, अठ भुज लै सकते हो, जो भी तुसी चाहो, क्योंकि हर एक आकृति नूं असी त्रिभुजा दे विच वंड सकते हैं। तो फिर उन्हां दीआं मैजरमेंट्स लैके उन्हां दे खेत्रफल पता करके तुसी पूरी आकृति का खेत्रफल पता कर सकते हो। हुण एक एक्टिविटी होर करांगे। आकृति देखो, इस दे विच दो रंगां दे टुकड़ियां दी वरतों कीती गई है और ये सारियां त्रिभुजां दा माप इक्को जिहा है। देखण विच सानूं एक दो तीन चार ते पंज त्रिभुजां नजर आ रहियां ने, ठीक है, पर एक्चुअल दे विच पंज इहदे पिछले पासे भी हैगियां। ते जदों आपां इहनूं प्रॉपरली खोलदे आं ते एक छतरी दा टॉप बन जांदा, इह छतरी बन जांदी है। आपां इहनूं देखो आ स्टैंड ते ला लिया हैंडल ते, इह देखो इह साडे कोल इक छतरी बन गई। हुण एक्चुअल च यह प्रश्न जिहड़ा यह तुहाडी किताब का अभ्यास 12.2 का सवाल है, जिहदे विच उन्हें लिखिया है कि दो अलग अलग रंगों के कपड़िया के 10 त्रिभुज आकार के टुकड़िया नूं सिलाई करके छतरी बनाई गई है। हरेक टुकड़े का माप 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर अते 50 सेंटीमीटर है। हरेक रंग का कितना कपड़ा लगा है। हुण इहदे विच दो रंगों की वरतों हुई है, आपां इहनूं अपने कोल इत्थे सजा लैने आ जी। इस तरह ही तुहाडी बुक के उत्ते फिगर बनी हुई है, तो देखण च नहीं पता लगता कि वह पंज दे पिछे भी पंज है। इसलिए असीं कहिंदे आ कि एक्टिविटी करके वेखिए ताकि उस चीज़ नूं असीं विजुअलाइज कर सकीए। एक्टिविटी का मतलब हुंदा है कि वह जिहड़ी चीज़ साडे वास्ते एबस्ट्रैक्ट हैगी है, जिहड़ी सानूं क्लीयरली नहीं समझ आ रही, अगर उहनूं असीं खुद अपने हाथ नाल एक चीज़ बना के देखांगे तो सानूं एक्चुअली पता लग जाएगा कि उहदे विच की पूछया गया ते की समझाया गया। हुण इस दे विच सानू देखण च पंज पीस नजर आ रहे, बट एक्चुअल च यह 10 पीस ने और असी इन्हां दा खेत्रफल पता करना। हुण सब तो वधिया गल ये है कि सारे पीसां दा जिहड़ा आकार है, इन्हां दा माप जिहड़ा वह सेम है, और वह माप की है, आह जिहड़ी लंबाई है वह 50 सेंटीमीटर है ते आह लंबाई जिहड़ी है वह 20 सेंटीमीटर है। तो यह एक समदुभुजी त्रिभुज हो गई। जेकर मैं एक समदुभुजी त्रिभुज का खेत्रफल पता कर लवां तो मैं बाकी समदुभुजी बाकी त्रिभुजा का खेत्रफल भी पता कर सकती हाँ, तो इस तरह मैं वो वरते जाने वाले कपड़े का खेत्रफल भी पता कर सकती हाँ। असी एक टाइम पर एक त्रिभुज का खेत्रफल लवेंगे, एक त्रिभुज का खेत्रफल पता करांगे सब तो पहला, ठीक है। हुण त्रिभुज का दियां भुजावां दी लंबाई की है, क्योंकि ये सम दो भुजी त्रिभुज है, दो भुजावां बराबर ने, तो लंबाइयां हो गई 50 सेंटीमीटर, दूसरी भी 50 सेंटीमीटर, तीसरी 20 सेंटीमीटर। सो साढ़े कोल ए आ गया 50, बी आ गया 50, सी आ गया 20। असीं लगाना है हीरोज़ फॉर्मूला, फॉर्मूला लिखांगे सब तो पहला। देखो सवाल करन लगे हाँ, फॉर्मूला जिहड़ा भी वरत रहे हैं वह लिखना जरूरी हुंदा जे। फॉर्मूला लिखिया वर्ग मूल दे विच एस एस माइनस ए एस माइनस बी ते एस माइनस सी। हुण ये सारे कॉम्पोनेंट्स दीआं वैल्यूज कढ़नियां। पहला कॉम्पोनेंट की है एस, किस तरह आंदा एस, तीनों भुजावां दा जोड़ बटा दो, तीनों भुजावां दा जोड़ कीता 50 जमा 50 100 जमा 20 120 बटा
दो दे पाड़े च 120 60 आ गए, एस का मुल आ गया 60। अगली वैल्यू एस माइनस ए, 60 माइनस ए किन्ना 50, 60 चो 50 कटाए 10। हुण एस माइनस बी, क्योंकि ए ते बी बराबर ने ते ए भी बराबर आ जाएंगे 10, ते एस माइनस सी 60 चो 20 कटाए साढ़े को आ गए 40। चार मुल आ गए साढ़े को, एस 60, एस माइनस ए 10, एस माइनस बी 10, ते एस माइनस सी 40। हुण इस फॉर्मूले दे विच सारिया वैल्यूज फिल करके असी त्रिभुज का खेत्रफल पता कर लांगे। त्रिभुज का खेत्रफल वर्गमूल एस का मुल है 60, उस तो बाद एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इनू हल करना आप 60 दे फैक्टर्स बना लिए, 10 अलग कर लिए, 10 गुना 6, 10 गुना 10, ते 4 गुना 10, तो ए 10, ए 10 12 आ गए, 10 गुना 10 12 आ गए। अंदर देखो की रह गया हूं 6 दे गुणनखंड बनाए 3 दूनी 6, ते 4 दे गुणनखंड बनाए 2 दूनी 4, आ 2 बार आ गए, तो ए 10 गुना 10 हो गया 100, 100 गुना 2 वर्गमूल 3 दूनी 6। सो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 200 वर्गमूल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। जेकर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 200 वर्गमूल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हर रंग के कपड़े जड़े है, हर रंग के टुकड़े 5 ने, तो 5 टुकड़ियां का या 5 त्रिभुजों का लई वरते गए कपड़े का क्षेत्रफल पांच गुना हो जाएगा, 5 गुना 200 वर्गमूल 6 यानी कि 1000 वर्गमूल 6 सेंटीमीटर वर्ग। इसे तरह हरेक रंग दे, हरेक रंग दे कपड़े का क्षेत्रफल यही आ जाएगा, ठीक है, यह आ जाएगा 1000 वर्गमूल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो तुहाडी एक्सरसाइज दे विच इस तरह के होर भी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस ने, सवाल उस तरह कढ ले जान तां भी कोई मुश्किल नहीं है, पर जेकर उहनां दे नाल असीं थोड़ी जी एक्टिविटी इनवॉल्व कर लीए तां इक ते उह करन च इंट्रस्टिंग लगदे ने, इक उहदी अंडरस्टैंडिंग जिहड़ी आ उह ज्यादा हुंदी है। हाँ, मैनूं उम्मीद है कि तुसीं इह एक्टिविटीज ते अपनी एक्सरसाइज दे विच होर जिहड़े एक्टिविटी बेस्ड सम्स ने जिहड़े ऑलरेडी तुसीं एक्सरसाइज च कर चुके हो उन्हां नूं भी एक्टिविटी दे नाल करन दी कोशिश करोगे। थैंक यू।